और मेरे भाई लोग कैसे हो। एक और आज खतरनाक डुओ रैंक पोस्ट वीडियो संग उसे पहले का डुओ के अंदर आपकी क्या रैंक चली, आपका सीजन कॉन्कर हुआ है ना हुआ, वो भी मेरे को जो से कमेंट करके बता देना। और जो बंदों का ज़्यादातर डाउट चल रहा था क्या भाई अपन को जो प्लस है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, अपन प्रॉपर सर्वाइव निकाल रहे हैं, सब कुछ अपन किल भी निकाल रहे हैं, तब भी अपन को जो प्लस है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला। इतना प्लस आपको क्यों कम देखने को मिला, और अगर आपको हाई किल निकालना है तो वो किस तरीके से निकालना है, और कितने दिन बाद अपन का सीजन आएगा क्या आप लोगों को, और कितना टाइम चाहिए वो सब इस वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये वाली जो वीडियो है बिल्कुल भी मिस मत करना, और चैनल पे जितने बंदे जो उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। अब यहाँ पे जो आपको सीजन है वो देखने को मिलेगा अगले महीने की 21 तारीख को, और सीजन कितने दिन बाद आ रहा है, सीजन आ रहा है अपना 24 दिन बाद, तो आपको टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप डेली के 100 से 150 प्लस भी करोगे, अगर आप किसी भी टीयर पर भी होगे ऑलमोस्ट एज के ऊपर, तो आपका कॉन्करेंस सीजन के लास्ट में काफ़ी ईजी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको इतना जो पहली चीज़ डाउट होती है वो यहाँ पे क्लियर कर दी, पर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे गन उठा के फटाफट आगे साइड जाने लगता हूँ, क्योंकि मेरे आगे बंदा उतरता है, पर वो बंदा ऑलरेडी व्हीकल उठा के निकल जाता है। टीममेट के पास जाता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी उसके पास ही बंदा होता है, वो उस बंदे को फिनिश कर देता है। हम लोग उसके आते हैं जहाँ पे अपन लोग ऊपर पहाड़ी से बंदे चेक करने लगते हैं, पर यहाँ पे कोई भी जो बंदा होता है वो अपन को देखने को नहीं मिलता, तो अपन लोग फटाफट यहाँ पे जो प्रिजन है वहाँ पे अपन लूटने लगते हैं, सॉरी प्रीमोस के। और यहाँ पे गाइस वीडियो कल के टाइम क्यों नहीं आई थी, तो आपको पता है मेरे चैनल पर ऑलरेडी 2 स्ट्राइक पड़ चुके हैं जो हट चुके हैं, पर थोड़ा वीडियो डालने का मेरा थोड़ा मूड खराब हो गया था एकदम, ऑलमोस्ट सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, इस वजह से कल के टाइम मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। और जितना हो सके गाइस इस वीडियो के अंदर अपना प्यार दिखाना, जितना हो सके कमेंट करना, या फिर इस वीडियो के अंदर शेयर करना, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ अपने हर वीडियो में ऑलमोस्ट का शेयर करने का, पर यहाँ पर मेरे चैनल की बिल्कुल भी रीच गिर चुकी है, 100 भी प्लस बिल्कुल अपन को देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सके आपको ये जो वीडियो है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर नहीं आए आपको 3-4 दिनों तक, पर यहाँ पर आपको किस तरीके से खेलना है वो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले जितना हो सके प्लेन पास से दूर जाओ, जितना दूर जाओगे उतना ज़्यादा चांस है कि कोई लेजेंड बंदा या फिर कोई हैकर आपके ऊपर पुश करेगा। उससे पहले यहाँ पे प्रीमियम्स के उतरने का जो फायदा होता है, यहाँ पे 3 से 4 बॉट आपको काफ़ी इजी देखने को मिल जाते हैं। आपको 3 से 4 बॉट देखने को मिल जाते हैं, तो आपको जो किल होता है वो भी ऑलमोस्ट अच्छे खासे हो जाते हैं, क्योंकि कई बंदे क्या कहते हैं डुओ खेलते हैं या फिर सोलो खेलते हैं, सोलो में तो आप 1-2 कंपाउंड लूट सकते हो, पर डुओ के अंदर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है, अगर आप लोग 1 कंपाउंड लूटोगे या फिर अगला कंपाउंड लूटोगे 3-4 कंपाउंड तो ऑलमोस्ट चलो आप लोग लूट लोगे, पर जैसे आगे जाओगे तो वहाँ पर बंदे आपको ऑलरेडी देखने को मिल सकते हैं, जिसके चक्कर में आपको जो फाइट होती है वो शुरू में नहीं लेनी पड़ती है, तभी आप फाइट को अंदर इग्नोर हो जाते हैं, बोले तो फंस जाते हैं, जिससे आप फाइट के बीच से निकल तो सकते नहीं है। अगर आप लोग निकलोगे तो ज्यादा चांस है वो बंदे मार देंगे, इस वजह से कोई एक अपनी ड्रॉप लोकेशन चुन लो, जहां से जैसे ही प्लेन पर जा रहे हो तो ट्राई करो जितना हो सके वहां से दूर जाओ, जोजो सिटी जाओ, प्रीमोस के जाओ या फिर लिपोप का जाओ, ऐसी जगह जाओ जहां पे आपको मतलब एक बड़ी सी जगह मिल जाए जहां पे जो आपकी जो लूट है वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाए, बार बार किसी कंपाउंड में भटकना नहीं पड़े। अब अभी के लिए प्रीमोस की एक ऐसी अच्छी खासी जगह है, अगर मेरे को जोन के बाहर भी होल्ड करना है तो यहाँ पे इतनी हीलिंग या फिर इतने बैंडेज मेरे को देखने को मिलते हैं, जिससे मैं यहाँ पे 3 से 4 जोन तक काफी ईजी सर्वाइव कर लूंगा। पर यहाँ पे इस गेम में मेरे को पता चल चुका था ऑलरेडी एक हैकर है, क्योंकि जो बंदे थे वो भी ऑलमोस्ट कम अलाइव थे, थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो जोन होता है वो भी आ जाता है, जो अपन की बेसिक सी लूट होती है वो कंप्लीट हो जाती है, शॉप से कुछ चीज़ें जो होती है वो यहाँ पे परचेज कर लेते हैं, सीधा अपन यहाँ से निकल जाते हैं जोन के एच पे, क्योंकि अपन को अभी खेलना था H2H, और तीसरे जोन में अगर बंदे ज़्यादा बचे तो अपन लोग ट्राई करते हैं किल निकालने का, अगर आपके साथ आपका टीममेट खेलता है और अगर आपकी गन पावर थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप लोग ट्राई करोगा इस किसी भी टीम के ऊपर पुश करो, सबसे पहले उसका एक बंदा नॉक करो और फटाफट उसके ऊपर पुश कर दो, और ट्राई करना आपके टीममेट के पास एक अलग व्हीकल हो और आपके पास भी एक अलग व्हीकल हो, अगर आप लोग सेम व्हीकल से जाओगे तो ज़्यादा चांस है आप फंस सकते हो, या फिर उस व्हीकल का आपको जो व्हीकल का टायर है वो यहाँ पे ब्लास्ट कर देंगे। अब वहाँ से निकल के आते हैं अपन जोन में, यहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी इस कंपाउंड में बाइक लगी रहती है, अब यहाँ पे इस गेम में काफ़ी ज़्यादा जो कैंपर है देखने को मिलेंगे। अभी के लिए तो ये बंदा घरों पे होल्ड करना चाहिए, ये बंदा ऊपर में क्यों लेटा था नो आइडिया मेरे को, अगर आप लोगों को पता होगा तो मेरे को जरूर से कमेंट करके बता देना। अब यहाँ से जो हीलिंग होती है और इस बंदे की थोड़ी जो पेटी होती है वहाँ से कुछ काम की चीज़ें उठाते हैं और यहाँ से अपन निकल जाते हैं फटाफट जोन के लिए, पर अपन को ये नहीं पता था जैसे ही अपन जोन में पहुँचेंगे तो अपन की जो फाइट होती है वो यहाँ पर हैकर से हो जाएगी, जस्ट हमारे आगे एक हैकर रुकता है, हमें लगता है लेजेंड बंदे होते हैं, पर अभी के लिए गड़बड़ा रहा
टीममेट का जो कॉल आता है जिस हिसाब से वो मेरे को बताता है, मैं समझ चुका था सामने जो बंदा है उसके पास ऑलरेडी हैक है, तो डायरेक्ट अपन उसके ऊपर पुश नहीं कर सकते। सबसे पहले उसे या फिर उसके बंदे को यहाँ पे नेट मॉली से नॉक देना होगा। नेट से तो बंदा नॉक नहीं होता, मेरे पास ऑलरेडी सिर्फ एक मॉली बची रहती है जिसे मैं फेंकता हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे को लगता है जो मॉली है वो यहाँ पे मिस हो चुकी है, पर थोड़ी देर बाद यहाँ पे मॉली का किलफीड आता है जिससे एक बंदा नॉक हो चुका था, मेरे को पता चलता है। टीममेट ऑलरेडी नेट करता है, मैं उससे कहता हूँ भाई गन पकड़ ले, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे को एडीएस दिए, अगर उस बंदे को टू डैमेज कर दिया तो यहाँ पे काफी इजी मैं उस बंदे को फिनिश कर दूंगा। इस हैकर की भी टीम को अपन यहाँ पे काफी इजी फिनिश कर देते हैं। अगर ये हैकर को मारा जो मैंने 1v2 आपको अच्छा लगा तो इसके लिए गाइस जरूर से एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे स्मोक करता हूँ और जो अपने टीममेट को रिवाइव होता है वो यहाँ पे देने लगता हूँ। अब यहाँ पे मैं पेटी चेक करने लगता हूँ काफी, जो ग्रोजा मारा था वो कौन सा हैकर था, जो मॉली से फिनिश हुआ वो था या फिर जिसको मैंने M249 से मारा वो था। तो मैं पेटी चेक करता हूँ, जो बंदा मॉली से डैमेज हुआ था या फिर जो नॉक हुआ था वो होता है असल में हैकर, और जो उसका दूसरा बंदा होता है जो हैकर के साथ रैंक पुश करा होता है उसको भी मेरे टीममेट ऑलमोस्ट 1 HP कर दिया था। तो पीछे से मैं आके एक गोली मार के उसको भी काफी इजी फिनिश कर देता हूं। अब थोड़ी देर बाद जो आगे 3 स्टोरी होती है वहां से स्कारच चलने लगती है, सॉरी UMP, तो मैं बंदे को देखने लगता हूं का जो बंदा है वो यहां पे जोन के बाहर से जरूर जाएगा, पर वो जो बंदा होता है मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिखता, ना ऊपर में ना व्हीकल से आते हुए। तो मेरे को लगता है वो जो बंदा है वो यहां पे जोन से मर जाएगा, पर यहां पे यही मेरी काफी ज्यादा गलत फैमिली होती है। अभी के लिए देखो क्या होता है यहां पे मेरे टीममेट के साथ। टीममेट को पीछे से AWM पड़ती है तो उस बंदे को टीममेट थोड़ा सा डैमेज देता है। टीममेट कहता है भाई सीधा उसके ऊपर गाड़ी घुमाना, अगर वो बंदा तुम्हें मारेगा तो मैं यहाँ पे पीछे से काफ़ी इजी फिनिश कर देता हूँ। तो बग्गी लेके सीधा चला जाता हूँ उसे ढूंढने के लिए। तभी वो जो बंदा होता है वो पहले तो देखने को नहीं मिलता, पर थोड़ी देर बाद यहाँ पे मेरे को पेड़ पे देखने को मिलता है। जो बंदा है वो यहाँ पे ऑलरेडी पैर पे। अब जो मेरा टीम वर्क से होता है वो यही होता है, अगर जैसे मेरा टीम वर्क अच्छा है मेरे टीममेट के साथ, अगर ऐसा आपका भी होता आप किसी भी टीम को या फिर किसी भी हैकर को काफी इजी फिनिश कर सकते हो। अब वो जो बंदा होता है UMP वाला वो देखो यहाँ पे क्या सीन करता है। मेरे को नहीं मारा होता, जो मेरा टीममेट होता है भाई उसको पूरा फ्रिश कर देता है। तो भाई मतलब खतरनाक ही कैंपर आ रहे हैं, अभी मैंने आपको दिखा चुका हूँ भाई, एक तो मैं नॉक हुआ कैंपर से और एक यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक इन फिनिश ही हो चुका है। अब टीममेट फिनिश हो चुका, अकेले मैं 16 बंदा अलाइव रहता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को कैसे भी करके चिकन का ट्राई जो होता है वो यहाँ पे करना होता है। मैं ऊपर जाता हूँ तभी मेरे को आगे साइड USZ का साउंड आता है, बोले तो कुपका का कोई आगे से कूप जारी होती है। यहाँ पे पहले तो मेरे को लगता है दोनों बंदे मैंने मारे, पर एक बंदे को मैंने उतार दिया, जो दूसरा वाला बंदा था वो दूसरी टीम उस बंदे की व्हीकल जो होती है वो यहाँ पे ब्लास्ट करके जो किल होता है वो यहाँ पे उठा लेती है, या फिर जो मेरा किल होता है वो यहाँ पे चोरी कर लेती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जोन भी बन जाता है जहाँ पे मैं सोच जाता है फटाफट जो जोन में जाके मैं जो जोन है वो होल्ड कर लूँ, क्योंकि अभी के लिए मेरे हिसाब से कोई भी बंदा जोन में नहीं होता है। मेरी काफ़ी ज़्यादा गलत फैमिली होती है। अभी के लिए मैं जैसी जोन में जाता हूँ वहाँ पर ही मेरे को एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कैंपर देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे देखो जैसे मैं रिच पे जाता हूँ तो मेरा प्लान था राइट वाले जो पत्थर है या फिर राइट में जो घास है यहाँ पे एक बार व्हीकल घुमा ली जाए, मैं सोचता ही हूँ। तभी देखो व्हीकल घुमाने में जाती हूँ तभी आगे साइड एक UAZ आती है, तो इस बंदे को तो मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, पर पीछे जो राइट में मेरे को व्हीकल घुमाना रहता है क्या वहाँ पे कोई बंदा है या ना वो मैं यहाँ पे भूल जाता हूँ, और तभी मैं यहाँ पे आगे साइड देखने लगता हूँ क्या कोई बंदा आए या फिर कोई ओपन से आए तो उसको काफ़ी इजी फिनिश कर दूँ। और तभी ये राइट से बंदा आगे मेरे को फिनिश कर देता, अगर यहाँ पे मैं बग्गी घुमा लेता तो मेरे को आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। बाकी इस गेम में मेरे को मतलब सही प्लस देखने को मिला 18+। बाकी का इस वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को जरूर से कमेंट करके बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।